firstly, I'm going to start with an introduction and a little introduction. Okay. So, hello everyone. I'm Archanna Guptaa and I'm from Agra basically, but it's been quite a long time. I'm here in Mumbai. I've done films in down south in all four languages, Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada. I've done one Hollywood film, one Russian film, and recently I have done one film, Hindi film, with Adil Hussain, and Mia Melzar is there, Rajveer Verma, debut film for him, and it's called Ek Betuke Aadmi Ki Afra Raate, which is going to festivals, and recently it went to Toulouse Film Festival, next it's going to Toronto, and yeah, many more are coming like that. You became an actress, kuch inspiring hoga, koi aisa artist hoga jisko dekh ke aapko laga hoga on screen, even in a theater play ki haan bhai ye acting kar rahe hain, to when was the first time you realized that you want to become an actress? Of course, since childhood I was watching Madhuri Dixit, aur unki jo adaaye hain, unki smile, unki khoobsurti, unki adaaye, acting, everything, she is like idol for me. Everything, like when I used to watch her, I felt like मुझे बस ऐसे ही बनना है, मुझे भी उन्हीं की तरह डांस करना है, उन्हीं की तरह दिखना है, उनकी तरह एक्टिंग करनी है, फिल्म्स में आना है, बड़े पर्दे पर दिखना है. Yes. But as you said, you belong to Agra. Agra as compared to Mumbai is a small city. Yeah. तो क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़्यादा चैलेंज था, क्योंकि you know you don't have that kind of platform. Even though it's nearer to Delhi, but even Delhi don't have that kind of platform when it compared to Mumbai. So कैसे explore किया अपने interest को और कैसे अपने platform हो जाए कि हाँ मुझे acting करना है तो I need a platform and you know for that platform. तो दो आगरा इज़ अ स्मॉल सिटी, बट क्या है, सबसे पहला सपोर्ट तो मेरी फैमिली का. बचपन से ही मुझे डांस करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, फिर मैंने कथक सीखा, लखनऊ घराना, तो मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया मुझे. मैंने आगरा में प्लेज किए, थिएटर किए, स्कूल एक्टिविटीज़ में हमेशा पार्टिसिपेट करती थी. वो बहुत अच्छा था, क्योंकि स्मॉल सिटीज़ में फैमिलीज उतना सपोर्ट नहीं करती फिल्म इंडस्ट्री के लिए, लेकिन आई एम द लकी वन, रियली ब्लेस्ड कि मेरी फैमिली ने कभी भी मुझे नहीं रोका और मुझे सपोर्ट किया. कहीं कुछ फंक्शन है, कुछ कंपटीशन है, जहाँ भी जाना था मेरे साथ हमेशा मेरे मम्मी पापा गए. तो व्हेन डिड द जर्नी स्टार्ट, व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम यू गॉट अ ब्रेक, और हु इज योर मेंटर एज सच हु गाइडेड यू टू यू नो बी पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री एंड यू नो गाइडेड यू इन ऑल द अदर एस्पेक्ट्स? ऐसे कोई एक नाम तो नहीं है, क्योंकि जो टैलेंट मेरे माँ बाप को मुझ में दिखा, तो एक्चुअली मेरे माँ बाप ही हमेशा मुझे बोलते थे कि वो सारी क्वालिटीज़ मुझ में है, कि मैं एक एक्ट्रेस बन सकती हूँ, ऊपर वाले की दुआ से अच्छी भी दिखती हूँ और डांस अच्छा करती थी इसलिए. और एक्टिंग में जहाँ भी मैं थिएटर करती थी, प्लेस करती थी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे और सब लोग पूछते थे क्या बॉलीवुड जाने का कोई इरादा है. तब तक मुझे नहीं पता था कि यहाँ तक कैसे पहुँचूँगी, रास्ता नहीं पता था मुझे, क्योंकि हमारा कोई भी यहाँ नहीं रहता था. लेकिन मैंने जैसे 12th पास किया, मैंने अपने पापा से बोला कि पापा मुझे बॉम्बे जाना है, तो मेरे मम्मी पापा ने कभी भी रोका नहीं और बस मुझसे एक ही सवाल पूछा, दो सवाल एक्चुअली. उन्होंने कहा कि तुम खुश रहोगी अपने फैसले पे, जो भी डिसीजन लिया है? मैंने कहा यस. अकेले मैनेज कर लोगी? आई सेड यस. तो उन्होंने कहा ठीक है, जाओ एक्सप्लोर करो. और एक हमेशा मेरे माँ बाप ने एक चीज़ सिखाई है कि एक टाइम लाइन ड्रॉ करो और उसके अकॉर्डिंग काम शुरू करो, और बस जब टाइमलाइन होती है तो आप फुल फोर्स के साथ काम करते हैं. बस मैंने वो ही किया. बट व्हाट डू यू से अबाउट द इंडस्ट्री, कैसा एक्सपीरियंस रहा, मतलब एनी इंडिविजुअल जो बहुत करीब हो आपके, जिसको लगा कि हाँ ये बंदा या ये बंदी ने मुझे गाइड किया है या गाइडिंग पोर्ट रहा है? हाँ, ऐसे स्टार्टिंग से ही ये ज़रूर मैं बोलना चाहूँगी कि मैंने फर्स्ट टाइम अपना पोर्टफोलियो कराया था दिल्ली में राहुल दत्ता से, और उन्होंने सेम डे अपलोड कर दिया था अपनी साइट पे. नेक्स्ट डे से मुझे इतने सारे ऑफर्स आ रहे थे, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाता है कि वो एक्सेप्टेंस मिल रही है आपको, जो मिलना शुरू हो गई थी. मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया वहाँ पर, बिकॉज मैं मॉडल से ज़्यादा एक्टर अपने आप को मानती हूँ, और एक्टिंग का हब है मुंबई, तो मैं यहाँ आ गई ड्रीम सिटी में. तो व्हेन वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट यू डील विद देम, और कैसा एक्सपीरियंस था जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था आपका मॉडलिंग में? हाँ, तो वो भी बहुत अमेजिंग है एक्चुअली. मैंने थर्ड डे जब मैंने पोर्टफोलियो किया, उसके थर्ड डे मैंने दो प्रिंट शूट किए थे, एक BSNL के लिए और एक एयरटेल, दोनों कॉम्पिटिटिव हैं ब्रांड्स. और मुझे राहुल दत्ता ने थोड़ा गाइड किया, क्योंकि मुझे तो कुछ आइडिया नहीं था इस इंडस्ट्री के बारे में. उन्होंने मुझे बोला कि कैसे मुझे बात करनी चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए. आई थिंक
जो एक्टर था या कैमरा फियर मुझे कभी भी नहीं था, वो मेरे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था कि फर्स्ट डे से मेरे काम को पसंद किया गया और जिससे कि मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ा आगे आगे चलने के लिए। तो वो अमेजिंग था। कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स मैं एक ही दिन में शूट कर रही थी, हाफ डे BSNL हाफ डे एयरटेल। उसके बाद अशोक मस्ती एक पंजाबी सिंगर हैं, मैंने उनका एक पंजाबी सॉन्ग किया और बस जर्नी शुरू हो गई। मैं बॉम्बे आई, विद इन 3 months आई गॉट माई फर्स्ट फिल्म जो रिलीज़ नहीं हुई अनफॉर्चुनेटली, बट बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था विद अनुपम खैर, विजय राज, रघुवीर यादव, मुकेश तिवारी। तो ऐसा लगा वाओ, मतलब ये ही करना था मुझे लाइफ में, इसलिए वो जर्नी अपने आप बनती चली गई और मैं यहाँ पहुँच गई। तो आफ्टर डूइंग सम एड्स आई मीन यू लैंड अप इन मुंबई एंड यू नो गॉट द डिफरेंट प्रोजेक्ट, क्या कहना चाहेंगे कि एक्टिंग का क्या एक्सपीरियंस है? हैव यू डन एनी थिएटर और एनीथिंग एल्स? थिएटर में आगरा में कर रही थी तो वो मायने रखता है क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं उसमें, वॉइस मॉड्यूलेशन सीखते हैं, एक्सप्रेशंस को सीखते हैं, इमोशंस आपको पता चलते हैं अलग अलग कैसे करने हैं। यस, थिएटर थोड़ा सा डिफरेंट है इस फिल्म कैमरा फेस करने से, लेकिन एज आई सेड मुझे कभी भी कैमरा फेयर नहीं था किसी भी तरह से, वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। फिर मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट मुझे तेलुगु फिल्म मिली और वहाँ डायरेक्टर बहुत अच्छे थे। मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मुझे हमेशा टीम बहुत सपोर्टिव मिली, जैसे मेरी फैमिली, जैसे यूनिवर्स, और वैसे ही मेरी टीम्स बहुत सपोर्टिव रहे। हाँ एक हाँ हाँ एक ग्रेड ही किया है मैंने मोस्टली सारे सभी लैंग्वेजेस में। तो RP पटनायक करके हैं जो म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं काफ़ी बड़े वहाँ पर, उन्होंने वो डायरेक्ट की थी। तो जो लड़का था वो नया था, स्टोरी बहुत अच्छी थी, वी गॉट बेस्ट स्टोरी अवार्ड फॉर दैट फिल्म, और वो एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था। मुझे समझ में आ गया कि ये फील्ड मेरे लिए है और मैं इस फील्ड के लिए, दैट्स इट। तो क्रेडिट, हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स यू हैव डन फिल्म प्रोजेक्ट्स, आर टॉकिंग अबाउट द साउथ प्रोजेक्ट्स बिसाइड्स द तेलुगु प्रोजेक्ट कमिंग अप, उसके अलावा कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं? मैंने कुल मिला के 15 फिल्म्स की हैं एज अ मेन लीड, तो और कुछ 250 और 300 एड्स किए हैं, काफ़ी सारे म्यूजिक वीडियोज़ किए हैं और जर्नी चल रही है। But do you think getting an offer in Bollywood is very difficult, very challenging? क्योंकि जो लीड रोल्स में होते हैं, जी, producer invest so much of money, crores of rupees, yes. So when they decide to cast an actress, तो they will see the potential कि हाँ, this kind of actress will suit our character. वो उसके अंदर बताइए कि कितना ज़्यादा आपको लगता है कि difficult है? Difficult तो है, कहीं भी कुछ भी easy नहीं है actually. Difficult अभी भी है और आई थिंक सभी के लिए होता है, वो किसी भी लेवल पे पहुंच जाए डिफ़िकल्ट वो हमेशा होता है। आप एक प्रोजेक्ट करते हैं, दूसरा चूज़ करना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि आपको ध्यान रखना होता है इससे नीचे ना करें या उस तरह का करें, आपका क्या कैरेक्टर है, क्या स्टोरी है, कौन बना रहा है, वो सारी चीज़ें मायने रखती हैं। एक्चुअली बहुत ईजी हो जाता है जब आपके पास कोई गाइड करने वाला होता है आपको कि ये प्रोजेक्ट करना है या नहीं करना, अदरवाइज़ क्या होता है कि आपको जो बेहतर लगता है आप काम करते चले जाते हैं, लेकिन अगर आप में वाकई में टैलेंट है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। वन मोर थिंग, दो बातें बहुत हो रही है पिछले कुछ सालों से, एक मी टू कैंपेन है, दूसरा नेपोटिज्म है। आपका क्या अनुभव रहा है, क्योंकि अनप्रोफेशनल लोग से आपने मुलाकात की, आप बहुत लकी रही हैं, लेकिन काफी सारे अनप्रोफेशनल लोग भी होंगे। जी जी, आप सभी से मिलते हैं, सभी तरह के लोगों से। तो यू आर ब्यूटीफुल, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको बहुत हार्ट ब्रेकिंग लगा कि लोगों की मेंटालिटी यू नो, हां कुछ शेयर करना चाहिए? यू डोंट नीड टू डिस्क्लोज द नेम। एग्जैक्टली, यस, डेफिनेटली आई विल शेयर दैट थिंग। एक्सपीरियंसेस तो हुए हैं, मेरे साथ भी हुए हैं, डेफिनेटली मैं नाम नहीं लूंगी किसी का। उससे क्या होता है ना, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत नीचे चला जाता है, आपको खुद पे सेल्फ डाउट स्टार्ट हो जाता है कि शायद मुझ में कोई कमी है। इस तरह से जब चीज़ें होती हैं, मी टू कैंपेन जो हुआ, होती हैं ऐसी चीज़ें, लेकिन उसमें जहाँ मैंने अपने स्टैंड लिया वो ये था कि मैंने डिसाइड करा एक मुलाकात के बाद कि मुझे उनके साथ काम नहीं करना है, क्योंकि अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं, वैसे यहाँ भी हैं। आपको पता होना चाहिए आपको क्या काम करना है, कैसे करना है, दैट्स इट। But do you think it's important to entertain every kind of people? क्योंकि लोगों की mentality ये होती है कि हाँ, shortcuts से ज़्यादा success मिल जाता है। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, shortcut कभी नहीं होता। अगर आपके अंदर talent नहीं है तो shortcut आपको एक chance दे सकता है, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे?
ये व्हाट यू डू ऑफ नेपोटिज्म, मतलब जो हो होता है कि अगर फैमिली बैकग्राउंड हो, फिल्मी बैकग्राउंड हो, तो बहुत ज्यादा आपको इजी होता है इजी तो करना है। होता है, मैं मानती हूँ, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि आप उसी इंडस्ट्री में पले बड़े हैं, आपको सारी चीज़ें पता है, किस तरह का प्रोजेक्ट चूज़ करना है, आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर सकते हैं उस तरह का प्रोजेक्ट चूज़ करने में, और आप उस तरह के ए लिस्टर लोगों से बहुत इजीली मिल पाते हैं, जो शायद हम जैसे आउटसाइडर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है। दोनों तरफा बातें हैं, हम भी वहाँ पहुँचने में थोड़ा हेजिटेट करते हैं कि कैसे मुलाकात होगी, वो लोग भी बिजी होते हैं, शायद उनके पास टाइम नहीं होता कि वो हर किसी से मिल पाएँ, बिकॉज़ यहाँ बहुत सारे लोग हैं। उनके लिए है ऑफ कोर्स, उन्हें बेहतर चांसेस मिल जाते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं जिनमें बहुत पब्लिसिटी होती है, आप लोगों तक बहुत इजीली पहुंच पाते हैं, लेकिन मैं भी पहुंच और जाऊंगी हाल ही में जो वेब सीरीज लॉन्च हुई है पॉइजन का, जो जी ट्रेलर, क्या कहना चाहेंगे कि ये कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा? अरबाज खान है, जी फ्रेडी दारूवाला है, रिया सेन है, स्टार कास्ट बहुत असेंबल स्टार कास्ट है, तो जी कितना ज्यादा टर्निंग पॉइंट आपको नजर आ रहा है? वेब सीरीज़ क्या है, आज की डेट में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टर से लेके एक्टर सबको एक चांस मिलता है, आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं बहुत ही कम समय में, कुछ ही एपिसोड्स में। तो मुझे लगता है कि जो भी इसको देखेगा, जब मेरा कैरेक्टर देखेगा तो उनको पता चलेगा, ओ अर्चना गुप्ता है जो वेब सीरीज़ कर रही है, तो वो फिल्म्स भी कर सकती है, वो ऐसी दिखती है, इस तरह की एक्टिंग करती है। मुझे लगता है मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और वेब सीरीज में ये भी है कि वेब सीरीज में आपको सेंसरशिप नहीं होता है, तो यू नो आप भी काफी बोल्ड अवतार में जी हैं जो पॉइजन वेब सीरीज है, जी तो क्या कहना चाहेंगे, आप कितना कंफर्ट लेवल में थे जब आप शूट कर रही थी? मैं कंफर्टेबल होती हूँ तभी मैं पहले डिस्कस कर लेती हूँ डायरेक्टर से कि क्या किस तरह का रोल है, मुझे क्या करना है, और वो किस तरह से शूट करना चाहते हैं। वो जब पता चल जाता है तो बहुत इजी हो जाता है किसी भी प्रोजेक्ट को डिसाइड करने के लिए कि मुझे ये करना है। सेंसरशिप सेंसरशिप नहीं है इसके लिए। ये अच्छी बात है कि जो डायरेक्टर्स कहना चाहते हैं वो इजीली कह पाते हैं, लेकिन मुझे पता है मेरा कंफर्ट वो नहीं है कि मैं सिर्फ जहाँ पर फिजिकल बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं या सेक्स बहुत ज़्यादा है, उस तरह के प्रोजेक्ट्स करने में मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ। क्लासिक क्या विजन है आपका एक्टिंग करियर के लेकर? मतलब ऐसा कोई ऐसी कोई बात जो दर्शक नहीं जानना पे, और मैं एक्ट्रेस तो आप हैं, जी और क्या है आपकी पर्सनालिटी का राज वो बताइए। खुश रहती हूँ हमेशा, कुछ भी हो, कैसी भी सिचुएशन हो, अप्स एंड डाउन्स हो, मैं खुश रह के हर चीज़ को फेस करना अच्छा लगता है मुझे, वो मैं फेस करती हूँ, क्योंकि उससे जब आप खुश रहते हैं तो सही डिसीजन ले पाते हैं, एक तो वो है, और डोंट गिव अप ऑन एनीथिंग, ऑन योर ड्रीम्स, आज नहीं तो कल आप पूरे कर ही लेंगे, अगर आपको पूरा भरोसा है अपने ऊपर। अगर आप सेल्फ डाउट में चले जाते हैं तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता, अगर आपको भरोसा है आप लगे रहिए, वो आप मिल जाएगा। थैंक यू। इट वाज वेरी सिंपल, वेरी गुड एंड वेरी स्ट्रांग होती है उसमें, राइट? मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी बात है, अगर जैसे कि आजकल नेटफ्लिक्स और ये सब वेब सीरीज जो आ गई हैं, की तरह अदाएं दिखा सकूं, मैं डांस दिखा सकूं, मैं स्माइल कर सकूं। दैट आल्सो यू आर लुकिंग फैबुलस, गेट मी आई थिंक आप पे जा रहे सबसे अच्छे आप लग रहे हैं। ओह रियली, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि अगर अदाएं हैं तो क्यों ना दिखाई जाए, लोगों को पसंद करती है, वो दिल को छूती है। परिणीति इज फ्रॉम माय पोस्ट दिस एंड परिणीति दैट गुड I like the trailer episode also, Poison. Yeah? Well, hard day. Thanks, ma'am. Thanks for the delivery. Ma'am, yeah? Get close. Get in.